नून एवरीवन, और कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कार्तिक की चल रही है 3 दिनों से लगातार पढ़ाई, तो ये लेकर आया स्टिकर। हाँ, प्रोजेक्ट बन रहे ना, तो ये प्रोजेक्ट लगा रहा है और यहाँ इसका सामान डला हुआ है। काम मेरा कंप्लीट है। मैंने अभी 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 हम लोगों ने चाय बनाकर पी है, जो कल बनाई थी ना मैंने गुड़ वाली चाय बनाकर पी है। इनने भी चाय पी ली है। हेलो तो कर लिया करो मेरे फ्रेंडों को। हेलो। हाँ कार्तिक, हेलो करो आप भी। हेलो। कार्तिक की पढ़ाई चल रही है। कार्तिक चल रही है, ऐसे ही कर रहे। चल रही है। देखो आज स्कूल में मैंने जो बनाया था। हाँ, कार्तिक का ना बहुत तेज वाला तगड़ा वाला पढ़ाई चल रही है, प्रोजेक्ट। अरे वाह, ये तो मैंने कल देखा ही नहीं। ये देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। अच्छा नहीं है। नहीं ठीक है, फिर भी यार बहुत अच्छी बनी है। कैसी लगी आप लोगों को बताना, मुझे तो अच्छी लग रही। फिर भी इसको शक्ल देखो ना। हाँ ठीक है, फिर भी बहुत अच्छी ड्राइंग की है। कुछ तो किया कार्तिक ने। ड्राइंग आती नहीं है उससे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता है। नहीं बनाई और क्या बनाया पीछे है? बस यही बनाया है और अभी स्टीकर लगाने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने काम की तरफ। और आप तो ये देखो, ये बड़ी हमारी सूख गई है एक दिन की, और धूप लगना है। पता नहीं ये ऐसे क्यों हो गई हैं सफ़ेद सफ़ेद, पर ये बहुत अच्छी बनी है सफ़ेद। पर ये पीछे साइड ना पता नहीं क्यों ऐसी हो गई, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छी बनी है बड़ी। तो अभी बना कर देखेंगे ना। हाँ एक मिनट, तो जब इनका टेस्ट बताएंगे। यहाँ कार्तिक ने टमेटोस तोड़ा, दिखाओ टमेटोस। टोस नहीं, टमेटो। ये देखो हमारी फूल, देखिए कितने सारे फूल आ गए हमारे, कितने सारे फूल आए हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और बैगन तो दिखाई देती हूँ आप लोगों को, देखो बैगन, बाप रे कितने सारे बैगन लगे हैं। सच में पहली बार इतने सारे अंदर भी लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं। टमाटर तो बहुत ही हैं, यहाँ तो बहुत सारे गुच्छे ही गुच्छे। हाँ नज़र ना लगे। जूता देखो, यहाँ पे भी देखो दो दो बैगन। वाह मेरे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं सच में, हरे भरे बैगन है। और भी बैगन हो रहे हैं, देखो कितने सारे फूल हो रहे हैं। और कार्तिक यहाँ टमाटर खा रहा है, और इसमें भी एक ठो, और इसमें तो बहुत ही बड़ा वाला हो गया जी। ओ है ना, कितना बड़ा बैगन। तोड़ ले। नहीं अभी नहीं, एक दिन और अभी नहीं करना हमारे पेड़ पौधे। पर ये थोड़े थोड़े ना सूखने से लगे, ये मुरझाने लगे। और ये हैं हमारे टमाटर, ये देख। अभी मैंने इनको तोड़े नहीं, कल से परसों से लगी हूँ, तोड़ूंगी पर अभी नहीं तोड़े। ये देखो कितने सारे पक गए हैं, दो यहाँ लग गई हमको। क्या लग गई? वो बैगन में कांटे थे, इसीलिए तो कह रहे नहीं तोड़ना। खाना और चाहिए? ये वाला ले लो, अच्छे से धो लेना, टेस्टी है ना। हाँ देखो अच्छे से, नहीं तो वो दूसरा ना टूटे। अरे अरे यार मैं तोड़ लूँगा। हाँ ले लो। और ये देखो फूल, फूल तो अच्छे वाले हो रहे हैं, बड़े बड़े है ना। चलो ये देखो ये क्या हो गया इसको, मतलब ही ना गुलाब की जो कट वो है ना फूल, इसमें पता नहीं क्या कीड़ा लगा है। तो ये देखो कितनी अच्छी पत्ती आ गई है, ये भी हो गई, ये वाली कटिंग भी हो गई है। देखो कितनी सारी पत्तियां आ गई, एलोवेरा तो बहुत सारा हो गया। हाँ किनारे मत जा, नहीं वहाँ नहीं करो तुम, हम नहीं करो। और ये वाली तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये सेवंती के, इसमें ना कितनी सारी पत्ती भी आ गई देखो। और मम्मी हाँ जेबी मटर, मटर उग रहा है, एक और मटर उग रहा है कार्तिक का। एक नहीं दो है, दो फल लगे हैं, एक दो। अरे और ये वाली तो बहुत घनी हो गई है। गर्मी आ गई तो बहुत राहत भी मिल जाएगी। अच्छा इसमें फूल लगा था कहाँ है? एक देखा फरा नहीं अपना आम का। इस साल हमारा आम का जो पेड़ है ना, हमें तो नहीं लग रहा फरेगा, क्योंकि ये है ना एक एक साल करके
एक साल रुक के फरता है, एक साल नहीं फरेगा, एक साल फरता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। देखते हैं कि शायद अगर हो जाए। नहीं फरेगा, फूल ही नहीं निकलेगा। पता है सब लोग बोलते हैं कि मेरे पेड़ पौधे इतने हरे भरे क्यों रहते हैं, मैं क्या डालती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। खाने पीने का पानी जो रहता है, और बर्तन का, और जो दाल वाल चावल का पानी है ना, वो मैं इसमें डाल देती। दाल वाल है? टेस्टी टमाटर है अपने। नहीं, अब तुमने दो खा लिए हैं, देखो कार्तिक ने दो चट कर ली, दो टमाटर। और यहाँ पर ये अजवाइन देखो, कितनी सारी पत्तियाँ अजवाइन की। तो भाई मैं तो कोई ऐसी खाद वाद मेरे पास है नहीं है, मैं नहीं डालती हूँ, यही है पानी वगैरह मैं डालती हूँ सब्जियों का, बस यही सब डालती हूँ। आजू बाजू वाले लोग भी पूछते हैं क्या डालती है, क्या डालती है। मेरा कोई नुकसान नहीं है बताने में, लेकिन मैं क्या डालती हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं तो यही डालती हूँ पानी वानी बस। चलिए काम कर लेते हैं फिर आप लोगों को, अभी थोड़ी देर से काम कर लेते हैं, दो तीन घंटे का काम है, फिर मिलते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शाम का थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ। शाम हो गई है तो कार्तिक की कोचिंग जाने का टाइम हो गया है, और बज गए हैं शाम के 4:10 हो गए थे, और बस उसको टाइम ही नहीं बचा था, तो बस वही बोल रहा था मम्मी जल्दी जाना जाना, तो टाइम से पहले ही उसका निकलना होता है 5-10 मिनट पहले। तो बस मुझे 5-10 मिनट ही लगेंगे, इतनी देर में मैं चाउमीन तैयार कर दूंगी। तो बस फटाफट से मैंने एक साइड में ये चाउमीन डाल दूंगी बॉईल होने के लिए, दूसरी साइड मैंने चाय चढ़ाई हुई है तो चाय पक रही है, और बस फटाफट से मैं सब्जियां भी काट लूंगी जो जो मुझे डालनी है। आज मेरे पास सारी वेजिटेबल हैं चाउमीन में डालने के लिए। पत्ता गोभी है, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, प्याज हरी प्याज के साथ दोनों ही है, तो थोड़ा थोड़ा उग गई है ना, तो वैसे ही है। तो यहाँ पर बातें भी करते जा रही थी इनसे, और कार्तिक भी डिस्टर्ब कर रहा था, तो बस बोल लगा था पीछे जल्दी बनाओ, जल्दी टाइम हो रहा उसका। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सारी सब्जियाँ निकाल लूँगी, और यहाँ पर ये रेडी हो गया है जाने के लिए, तो बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा वो करता है जाने के लिए, ट्यूशन हो या स्कूल हो तो ऐसे ही करता है। तो बस मैं फटाफट से यहाँ सब्जियों को निकाल ले रही हूँ और इनको काट लूँगी। टाइम होने वाला, बस अब भी हो जाएगा, अब भी बन जाएगा एकदम फटाफट से, चिंता नहीं। वो देखो हमें हंसी है, दो हंसी है, दो मेरा टाइम हो गया मेरा, अभी नहीं हुआ, बस अब भी बन जाएगा। सब्जी तो धुली रखी है, वो दे दो हमको, एक प्लेट दे, अच्छा वाली प्लेट दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी सब्जियों को काट लिया था और धुलकर भी रख लिया था फटाफट से, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़े से बड़े बड़े तो मतलब लंबे लंबे टुकड़ों में काटे हैं मैंने तो जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा है कार्तिक, और यहाँ अपने हाथों से वो निकाल कर सॉसेस की बॉटल दे रहा है। और बस मैं यहाँ पर जब तक मैं बनाते जा रही हूँ, तो यहाँ मैंने सब्जियों को काट के और पैन में डाल दिया है, और इसको अच्छी तेज़ आंच पर ही भूनना होता है। आज मैंने क्या गलती कर दी, इसमें ना सब्जियां डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मतलब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, जब थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए सब्जियां, लेकिन मैंने नमक डाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि सारी सब्जियों ने ना पानी छोड़ दिया, तो ये गलती हो गई, क्योंकि लास्ट में डालना था जब चाउमीन डालते हैं ना, तब मुझे डालना था, तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई थी सब्जियाँ, तो आज ये गलती हो गई मुझसे। और बस फिर भी ठीक बनी थी चाउमीन, तो अच्छी ही बनी थी,
हाँ थोड़ा सा और मैंने उसे अच्छे से भूना तेज आंच पर, हो देखिए पानी छोड़ दिया था और सारे सॉसेस डाल दिए। मेरे पास सोया सॉस और टमाटो सॉस था, चिली सॉस नहीं था, तो मैंने बस दोनों ही सॉस डालकर और बना लिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और देखिए कितना अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। ये सारी सब्जियां डाला था मैंने, हाँ डाली थी, तो अच्छा टेस्टी बना था। तो बस मैंने इसको फटाफट से 2-3 सेकंड मिलाया और यहाँ मैंने कार्तिक को दे दी, तो बस इसको दे दिया, ये खा लेगा फटाफट से और फिर मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।